हेलो 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 पहले ही लाइव कर दिए हो। अरे इसको लूज करो वहाँ से, वायर छोटा पड़ रहा है। बस रहने दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। जल्दी से जुड़ो भाई, फटाफट से शेयर करो जल्दी से, ताकि फिर आगे चलें। शिवम चंदेलिया, राम राम। परवीन शर्मा, नमस्ते। मेघा शर्मा, मेघा शरावत, गुड इवनिंग। सुमित, गुड इवनिंग। विकास शर्मा, गुड इवनिंग। प्रवेश शर्मा, बिल्कुल भाई, बढ़िया। आप सुनाओ भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो, फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या आज हमें क्या टॉपिक डिस्कस करना है, वही बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नाव और धारा। नाव और धारा के दोस्तों चलने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े से पिछले चैप्टरों से अलग हैं, ठीक है? क्यों है मेरे भाई अलग? क्योंकि जो नाव है वो सड़क पे तो चलेगी नहीं। नाव को चलने के लिए क्या चाहिए? नदी वगैरह चाहिए या पानी चाहिए? तो देखो दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल, मतलब पानी अगर ठहरा हुआ है, जैसे मान लो कोई तालाब है, तो वहां जो नाव की चाल है दोस्तों, हम उसको क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे? बी। और धारा का वेग, धारा का वेग यानी कि पानी की चाल, अगर मान लो नदी बह रही है तो उसकी चाल है डाउन। अब दोस्तों एक बात समझना, जब नदी बहती रहेगी तो नाव या तो धारा की दिशा में जाएगी, यानी कि जिधर पानी बह रहा है उस तरफ चलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? डीएसएस। क्या बोलते हैं? डीएसएस। या धारा के विपरीत चलेगी, यानी जिस तरफ नदी बह रही है नाव उसके अपोजिट चलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? यूएसएस। डीएसएस डाउन स्ट्रीम स्पीड और यूएसएस अप स्ट्रीम स्पीड। क्लियर है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, आप खुद से सोचना, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो बोट और साथ में पानी दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? तुमने रियलाइज भी करा होगा कि अगर आप नदी में कभी तैर रहे हो
तो जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ तैरते हो, तो वहां पर तुमने नोटिस किया होगा कि पानी भी आपको आगे की तरफ भेजने के लिए फोर्स लगाता रहता है, तो उस केस में आपकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई नदी के विपरीत। मान लो पानी इधर बह रहा है और आप नाव इधर चला के लेकर आओ, तो देखो पानी आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पर आप उसको काटते हुए आगे की तरफ आने की कोशिश करोगे, तो इस केस में आपकी नाव पानी को काट के वापस भी आ सकती है और पानी के साथ भी जा सकती है। क्या वजह है? डिपेंड करेगा स्पीड, या डिपेंड करेगा नाव कहाँ चल रही है। दिल्ली के यमुना में चल रही है तो भाई क्रॉस करके भी आ जाएगी, हरिद्वार में चला के देख लेना उल्टी, जिधर नदी बह रही है उसके अपोजिट, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तुमने देखा होगा हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह में राफ्टिंग करते हैं तो लोग इधर से तो टैक्सी में जाते हैं, उधर से नाव में आते हैं। अगर नाव अपोजिट चल सकती होती तो इधर से भी नाव में ही ना जाते। तो कभी भी नाव और पानी में से अगर पानी की चाल ज़्यादा है तो नाव अपोजिट नहीं चलेगी। पर हम चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर में हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होगी और पानी की चाल हमेशा कम होगी। तो दोस्तों उस केस में जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, बोट माइनस वाटर। क्या बनेगी मेरे भाइयों? बोट माइनस वाटर। क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो हमें नाव की चाल निकालनी है और हमें दो ये चालें पता हैं, DSS भी पता है और USS भी पता है, तो जो नाव की चाल निकलेगी वो DSS प्लस USS डिवाइडेड बाय 2। ये वही लॉजिक आ गया कि जहां दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए, जोड़कर आधा करते हैं बड़ी संख्या आती है, घटा के आधा करते हैं छोटी संख्या। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं, जहां पर भी योग और अंतर दिया जाए तो जोड़कर आधा करोगे बड़ी संख्या आएगी और घटा के आधा करोगे तो छोटी संख्या आएगी। दूसरा निकाले अगर हम वाटर, तो वाटर मेरे भाई क्या होगा, DSS माइनस USS और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पानी की चाल निकालनी है तो DSS माइनस USS और उसका हाफ, और नाव की चाल निकालनी है तो DSS प्लस USS डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरे भाइयों? कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन कुमार गुड इवनिंग, आरती जी गुड इवनिंग, भाई शेयर करो वीडियो को यार। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट, अरे वायर ढीली कर दो ना, वायर लूज कर दो, कैसा टाइट हो रही है वायर। चलो छोड़ो रख दो। सौरभ कुमार राम राम भाई, कैसे हो? देखो भाई कितना अच्छा सवाल है, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक तैराक की चाल, देखो दोस्तों तैराक हो या नाव हो दोनों बातें क्या है, सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 है और धारा के विरुद्ध 6 है, तो धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल। देखो दोस्तों हमें डिजिट क्या दे रखे हैं, हमें DSS में स्पीड दे रखी है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है मेरे भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। और USS में स्पीड हमें दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछी है बोट और वाटर, तो देखो कितना आसान है, अभी निकाला है। DSS और USS की स्पीड अगर पता है तो बोट और वाटर निकालना बहुत आसान है मेरे भाई। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो बोट आएगी और घटा के आधा करेंगे तो पानी। तो आ जाइए, तो बोट की स्पीड निकालनी है तो 10 प्लस 6 16, और 16 का आधा मेरे भाई क्या होता है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
पानी की चाल भी अगर निकालनी है तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 6 गए 4, 4 का आधा मेरे भाई कितना होता है 2। तो देखो नाव की चाल मेरे भाई कितनी है 8 है और पानी की चाल कितनी है 2। बहुत आसान सवाल आने वाले हैं इस चैप्टर में, बस आपको क्या याद रखना है, देखो कि डीएसएस और यूएसएस 90% क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, कि डीएसएस और यूएसएस अगर पता लग जाए तो आप आराम से हल कर लोगे। अब अगर आसान है तो डीएसएस और यूएसएस आपको बताया जाएगा, सवाल मुश्किल बनाना है तो डीएसएस और यूएसएस आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को लाइक करा करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत आदत है तुम्हारी, पैसे लगते हैं लाइक करने में कुछ और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजीत सिंह गुड इवनिंग भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक नाभिक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर नाव चलाता। देखो बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति डीएसएस में 25 किलोमीटर और यूएसएस में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, ठीक है, और हर कंडीशन में इसको 5 घंटे लगते हैं, इधर भी 5 घंटे लगते हैं और मेरे भाई इधर भी, ठीक है, और हमसे वही हमें स्पीड बतानी है बोट एंड वाटर। तो दोस्तों अगेन देखो, आपसे हर सवाल के अंदर यही पूछेगा कि मेरे भाई बोट और वाटर की स्पीड बताओ, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डीएसएस और यूएसएस की स्पीड में निकाल पा रहा हूँ या नहीं। सवाल क्या होता है कि डीएसएस और यूएसएस की स्पीड में निकाल पा रहा हूँ या नहीं। तो देखो 25 किलोमीटर गया डीएसएस में, 5 घंटे लगे, तो यहाँ स्पीड क्या हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर गया 5 घंटे लगे, तो यहाँ स्पीड क्या हो गई मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो डीएसएस में स्पीड 5 है और यूएसएस में कितनी है 3 है। डीएसएस की स्पीड मेरे भाई क्या आ रही है 5 और यूएसएस की कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब नाव और पानी तो बहुत आसान है, जोड़ के आधा कर दो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा और 8 का आधा क्या होता है मेरे भाई 4 किलोमीटर पर आवर, कितना होता है 4 किलोमीटर पर आवर। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 का आधा मेरे भाई क्या होता है 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बोट स्पीड हो गई 4 और नाव की कितनी हो गई, बिल्कुल भाई करो सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और क्या है हमारा अगला सवाल जानेंगे अपनी स्क्रीन से। देखो एक बड़ा अच्छा सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 6 घंटे में, जो भी कराए बिल्कुल सेम है, ट्राई करो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 10 सेकंड में आंसर लाओ भाई जल्दी से। करो भाई फटाफट बहुत जल्दी। अजीत सिंह रास्ते में, बिल्कुल भाई गुड, बेस्ट ऑफ लक।
सभी को जो एसएससी का 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नीलम गौतम गुड इवनिंग जी, अंकित चौहान गुड बाय, सुमित 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल भाई सभी जल्दी से जल्दी आंसर करो, बहुत बेहतरीन। 5-1 सोनू पवार 5 किलोमीटर पर आवर, गुड। देखो भाइयों अब कराता हूं समझना, 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाएगा तो मेरे भाई स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। यही 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाएगा तो स्पीड क्या रहेगी मेरे भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो चीजों को ज्यादा लिखो मत, अब बोट की स्पीड लानी है तो भाई 6+4 10 होता है और 10 का आधा कितना होता है, तो बोट की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। वाटर की लानी है तो 6-4/2 और 6 में 4 गए 2, 2 का आधा क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल 5 हो गई और पानी की चाल कितनी हो गई, 1 हो गई, गुड भाई। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसी धामा, ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो जाएगी तो भी ऑनलाइन क्लासेस, प्रिंसी वो तभी देखते हैं क्या सिस्टम बनेगा, कितना टाइम बनता है, बट हाँ लाइव क्लासेस चलेंगी ये तय है, चाहे पूरे बैच की ही लाइव चलानी पड़े, ठीक है। ज्योति त्यागी जी गुड इवनिंग, कैसे हो, आइए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा के ऊपरी 2 किलोमीटर 1 घंटे में धारा का वेग, करो भाई बहुत आसान है यार, बहुत सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अभी, प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए स्लोगन एक याद रखा करो जो मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि मिनिमम राइटिंग मैक्सिमम स्पीड, अगेन आई रिपीट इट, क्या बोल रखा है, मिनिमम राइटिंग मैक्सिमम स्पीड, ऑलवेज ध्यान रखना। चलिए करो भाई फटाफट से आंसर, मैं नहीं कराऊंगा अब, इतना नहीं कराने की जरूरत पड़ती है। देखो 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तो इसका मतलब डीएसएस में स्पीड क्या आ गई मेरे भाई, 8 किलोमीटर पर आवर, क्यों लिखना यार। और यूएसएस में स्पीड कितनी आ गई है, 2 किलोमीटर पर आवर। 8 और 2 10, 10 का आधा होता है 5, 8 में से 2 गए तो 6, 6 का आधा होता है 3, तो नाव की चाल 5 और पानी की चाल 3, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वो कह रहा है बोट टेक्स 5 मिनट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, सेम सवाल है बस थोड़ा मिनट का इन्वॉल्वमेंट आगे। देखो वो कह रहा है डीएसएस में 1 किलोमीटर की दूरी नाव 5 मिनट में कवर करती है और यूएसएस में 6 किलोमीटर की दूरी नाव 1 घंटे में कवर करती है, ठीक है मेरे भाइयों, समझिएगा क्या है सवाल। देखो डीएसएस में 1 किलोमीटर 5 मिनट में और यूएसएस में 6 किलोमीटर 1 घंटे में, बट दोस्तों जब दूरी किलोमीटर में है तो समय भी किसमें होना चाहिए, आवर्स में, समय किसमें होना चाहिए, आवर्स में। और मेरे भाई 5 मिनट को अगर मैं आवर्स बनाऊंगा तो डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो यहां से मिनट
हट जाएगा। तो जब भाग करूंगा तो 60 दोस्तों ऊपर चला जाएगा मिनट कट के, काटोगे तो ये आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल आ गई हमारी, डीएसएस। डीएसएस में स्पीड मेरे भाई क्या बनी, 12 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड बन रही है, 12। यूएसएस में जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब कितना आसान है, बोट और पानी, 12 और 6, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 18 का आधा कितना होता है 9, 12 माइनस 6 और उसका आधा करेंगे तो यहाँ स्पीड मेरे भाइयों कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर। तो नाव की चाल 9 है और पानी की चाल कितनी है, 3 है। नाव की चाल 9 है, पानी की कितनी मेरे भाई, 3 है। गुड, सबका बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तुझे मैं तुझे घूमूंगा। देखो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, एक नाव धारा के विपरीत 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल। देखो दोस्तों, वो कह रहा है एक नाव यूएसएस में चल रही है सिर्फ, समझना मेरे भाई, और यूएसएस में नाव ने 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय की है। मेरे भाइयों कितने मिनट में तय की है, 48 मिनट्स। ठीक है, बोर्ड पे देखना क्या सवाल है, कैसा है और क्यों है। देखो, जब ये किलोमीटर है तो इसे आवर्स बनाना पड़ेगा और आवर्स बनाने के लिए मिनट हटेगा तो 60 ऊपर चला जाएगा भाइयों। 12 से 4 और 4 से 15, यानी कि ये चाल आ गई मेरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबको पता है कि मेरे भाई यूएसएस में जो चाल आती है वो क्या होती है, यूएसएस की जो चाल होती है वो मेरे भाई बोट माइनस वाटर। यूएसएस की जो चाल होती है वो क्या होती है, बोट माइनस वाटर। तो इसका मतलब बोट में से अगर मैं वाटर घटा रहा हूँ, बोट माइनस वाटर कर रहा हूँ, तो एक बात यहाँ समझना कि नाव की जो चाल है पानी की चाल मेरे को बता रखी है कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। पानी की चाल मेरे भाई कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड क्या मानूं, ताकि इसमें से 2 घटाने के बाद 15 आए तो मेरे भाई बोट की स्पीड क्या होगी, 17 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी भाइयों, मेरे बोट की स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, जो बोट की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 17 किलोमीटर पर आवर। पानी की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्लियर है सभी को दोस्तों यहां तक ये वाला सवाल। चलिए, तो अब माइनर माइनर से जो चेंजेज आएंगे उनको हम अपने लेवल पे हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है।
चलिए भाई देखो अगला सवाल क्या, कह रहा है ए बोट टेक्स 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर, कैलकुलेट स्ट्रे ऑफ द बोट। ये तो बहुत आसान सा है, आप कर लोगे, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। जल्दी से ट्राई मारो। तीन आएगा बिल्कुल, बहुत आसान सा सवाल है, कई का पास आउट पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। उम्र थका नहीं सकती और ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। वेल डन भाई सचिन। क्या हुआ? बोट 7 आएगा भाई, बिल्कुल गुड। और वाटर 3 है। क्या हुआ, लेट कैसे चल रहा था? चलिए भाई जल्दी करो, आते हैं नेक्स्ट पे। देखो दोस्तों अच्छा सवाल है, वो कराए अनुप्रवाह जाते हुए नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, उदर प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो वाटर की स्पीड देखो, अनुप्रवाह और उदर प्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है मेरे भाई DSS। अनुप्रवाह का जो मतलब होगा मेरे भाई वो क्या होगा? DSS। और जो उदर प्रवाह वर्ड बोला जाता है उसका मतलब होता है USS। अनुप्रवाह यानी कि नाव की धारा को, सॉरी नाव नदी के डायरेक्शन में चलेगी, और उदर प्रवाह यानी कि नाव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो बस सवाल में थोड़ी लैंग्वेज की वजह से, वर्ड्स की वजह से डिफरेंट बना है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो देखिए DSS में मेरे भाई 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और USS में मेरे भाई वही 20 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ स्पीड आ गई 10 और यहाँ स्पीड आ गई 4। अब DSS की स्पीड 10 है और USS की स्पीड 4 है, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, नाव आएगा घटा के, चेंज करो सवाल। तो देखो बोट की स्पीड अगर यहाँ हालांकि वाटर पूछा है सिर्फ, तो वाटर की स्पीड निकालनी है तो 10 - 4 / 2, 6 का आधा कितना होता है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई यहाँ स्पीड कितनी आगे वाटर की? 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। चलिए दोस्तों
करिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत आसान सा सवाल है, सेम टॉपिक का और सेम कंसेप्ट का, ठीक है। देखो दोस्तों, अगेन वही सवाल है, इस स्विमर टेक्स 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर डाउन एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन डाउन। देखो दोस्तों, वो कह रहा है एक स्विमर टेक्स 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। He is swimming 4 kilometer in down stream in a certain time and 3 kilometer in the same speed. Find the speed of water. दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो 4 किलोमीटर नहीं है, 4 आवर्स नहीं है, वो 14 आवर्स है, ठीक है। देखो दोस्तों, बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन सवाल है, समझना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति DSS और USS, देखो DSS में जाता है 48 किलोमीटर और वापस भी आता है 48 किलोमीटर पर, इस प्रोसेस में उसको 14 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं मेरे भाई? 14 घंटे। बड़ा बेहतरीन सवाल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हटा दो, स्पेस बन जाएगा। ये 14 घंटे है, बाई मिस्टेक प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इसको 14 आवर्स कर लेना, ठीक है भाई। अब देखो साथ में एक बात भी बोल दी है कि DSS जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, USS में उतने ही समय में कितना जा पाता है? 3 किलोमीटर। DSS में 4 जाता है और USS में कितना जाता है? 2-3। अब यहां दोस्तों एक पॉइंट समझने वाला क्या है कि 48 किलोमीटर यहां भी गया और 48 किलोमीटर यहां भी गया और उसको टाइम कितना लग रहा है? 14 घंटे। पर 14 घंटे में से अलग अलग नहीं पता। अगर अलग अलग पता होता, जैसे अब से पहले हर सवाल में बताया जाता था, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान था, हम सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर लेते। बट ये टाइमिंग उन्होंने क्या कर दिया, ऐड करके बता दिया कि ये कितना लग रहे हैं, ये 14 घंटे लगते हैं। कितने मेरे भाई? 14 घंटे। साथ में एक ये जानकारी दी, तो दोस्तों इस जानकारी का मतलब क्या है समझना। वो कह रहे जितने मर्जी समय में, मान लो वो समय 1 घंटा ही है, तो 1 घंटे में इधर 4 गया तो इधर कितना जा रहा है? 3। याद करो दूरी और स्पीड का रिलेशन सेम होता है या नहीं होता? दूरी और स्पीड का रिलेशन क्या सेम होता है नहीं होता? तो मेरे भाई बिल्कुल होता है। तो इसको मैं दूरी का रेशियो बोलूं या स्पीड का बोलूं, बात सेम है। जब स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 और 4। बात आ गई, क्यों कर रहा हूं मैं 3 और 4? तो दोस्तों देखो, मेरे को यह पता लग जाना चाहिए कि 48 किलोमीटर में यहां कितना समय लगा है और 48 में यहां कितना लगा है। जैसे ही ये समय पता लगेगा, मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आइए, टोटल कितने घंटे? 14 घंटे। किस रेशियो में बांटना है? 3-4। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2। तो 2 से यहां गुना करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 6 घंटे, और यहां करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 8 घंटे। अब देखो दोस्तों सवाल कितना आसान हो गया। एक बात बताना, DSS में वो कितना गया है? 48 किलोमीटर। कितना? 48। और DSS में कितने घंटे लगे मेरे भाई? 6 घंटे। तो अगर 6 घंटे में 48 जा रहा है तो स्पीड क्या आ गई मेरे भाई? 8 किलोमीटर पर आवर। और बात अगर मैं USS की करूं तो यहां 48 किलोमीटर गया है पर यहां 8 घंटे लगे, तो यहां स्पीड क्या आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो DSS की स्पीड 8 है और USS की स्पीड कितनी है मेरे भाई? 6 है।
डीएसएस की स्पीड 8 है और यूएसएस की स्पीड कितनी है, 6 है। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, नाव की चाल आ जाएगी, घटा के आधा करेंगे पानी की चाल। देखो कितना आसान हो गया, समझ गए बात को। अब देखो नाव की चाल अगर मान लो मेरे को यहाँ निकालनी भी है तो 8 जमा 6 बटे 2, 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है 7, और पानी की निकालनी है तो 8 माइनस 6 बटे 2 कितना आ गया मेरे भाई 1। तो इसका मतलब बोट की स्पीड 7 और पानी की कितनी हो गई है 1 हो गई है। कर पाओगे यहाँ तक? इसको कॉपी करो। इसी सवाल को एक और तरीके से भी बता रहा हूँ जिसमें और भी आसान होगा ये सवाल। क्वेश्चन नहीं लगाना, क्वेश्चन नहीं लगाना है। देखो दोस्त, और एक वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। दोस्तों हमारा जो टारगेट था वो डीएसएस और यूएसएस की स्पीड निकालना था, तो जो ये 14 घंटे आया है मेरे भाई, दोनों के समय का योग 7 है, क्यों ना मैं जो कैलकुलेट होके आ रहा है 2 उसकी गुना डायरेक्ट स्पीड के रेशियो में ही कर दूं। तो 2 से यहाँ गुना करूँगा तो इधर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और 2 से यहाँ गुना करूँगा तो यहाँ की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। देखो डीएसएस की 8, यूएसएस की 6, आपको इस दूरी को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साथ ही 2 तो क्वेश्चन हल हो गए। कैसे? मान लो ये डिस्टेंस ना बताई जाती तब भी हम इस तरीके से हल कर लेते। तो डीएसएस की स्पीड 8 आ गई और यूएसएस की 6, अब तो आगे आप कर ही सकते हो। तो क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से आगे अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल की क्लास में। गुड बाय सभी को, कल बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो 7 बजे तक सब लोग आ जाइएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू।